हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं बटर विंग्स करी, जिसे वॉल भी कहा जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये गुजराती डिश है। यहाँ मैंने बटर विंग्स नाइट में भिगोया हुआ था, आप देख सकते हैं ये फूल गया है। इसे मैंने हल्दी और नमक डाल के बॉईल कर लिया है। अभी हम एक पैन लेंगे, उसमें मस्टर्ड ऑयल लेंगे और मस्टर्ड ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम मस्टर्ड सीड्स डालेंगे। जब चटकने लगेगा मस्टर्ड सीड्स तो हम उसमें डालेंगे अनियन और साथ ही में हम उसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे। मैंने यहाँ पे मिर्च नहीं डाला है क्योंकि मैं ऑलरेडी टमाटो के पेस्ट में डाल चुकी हूँ। तो हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हींग पाउडर, इसे एक मिनट तक हम चलाएंगे। अभी हम इसमें डालेंगे गार्लिक पेस्ट, उसके बाद में हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद में जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, अनियन अच्छे से भुन जाएगा, तब हम उसमें डालेंगे टमाटो पेस्ट, जो मैंने 3 टमाटो एंड उसमें 3 मिर्च पीस के रखा था। चलिए मसाले डालते हैं। अब मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, आप याद रखिए आप, और थोड़ा सा मैंने सब्जी मसाला भी यूज़ किया है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। आप याद रखिएगा कि आपको इसमें अमचूर पाउडर नहीं डालना है, क्योंकि हम इसमें इमली का पानी डालेंगे। इसे 2 मिनट तक चलाइए और 5 मिनट तक इसको भुनने दीजिए। अब इसमें डालिए आप इमली का पाउडर, डालकर चलाकर इसको बंद कर दीजिए प्लेट से कम 10 मिनट बाद खोल के देखिए। आप देखेंगे कि आपकी ग्रेवी हो चुकी है, अच्छे से पक चुकी है, ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें बॉयल की हुई दाल मिलाएंगे, अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में हम इसको ढक देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। आप चाहें तो पानी डाल सकते हैं, आपको थोड़ा सा थिक लगे। 10 मिनट बाद आप खोल के देखिए, ऑयल ऊपर आ चुका है, हमारी दाल पक चुकी है, अच्छे से हो चुकी है। तो अब हम इसमें कटा हुआ धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, आपके वाल सब्जी तैयार है। कैसे लगी आपको ये डिश, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।